हेलो फ्रेंड्स, मैं मणिकेत और सोनिस क्राफ्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये मैंने प्लास्टिक बोतल और रबर बैंड से बोट बनाया है जो कि काफ़ी मस्त है यार। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं ये बंदा कैसे है। तो फ्रेंड्स, प्लास्टिक बोतल और रबर बैंड बोट बनाने के लिए आपको दो प्लास्टिक बोतल की जरूरत पड़ेगी। दो नहीं यार, तीन प्लास्टिक बोतल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं छोटा साइज का प्लास्टिक बोतल यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आप छोटा बड़ा कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको लगा देना है और एक चौड़ी वाली टेप की जरूरत पड़ेगी। आप चाहे तो यहाँ पे पतली वाली ट्रांसपेरेंट टेप भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो काफ़ी मजबूत नहीं हुआ फ्रेंड्स और उसे ज़्यादा आपको लपेटना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके पास अगर चौड़ी वाली टेप है तो आप इसे यूज़ कर लो, नहीं तो अगर आप हॉट ग्लू यूज़ करना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फेविक्विक काम नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, इसे मैंने लपेट दिया और ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, कितना मजबूत हो गया यार। और यहाँ पे मैं दो लकड़ी का पीस ले रहा हूँ, लकड़ी का टुकड़ा कुछ इस तरीके का, और इसकी लंबाई अगर हम नापे तो 9.5 सेंटीमीटर होता है फ्रेंड्स। और इसके बीच में हम मार्क कर लेंगे क्योंकि हमें एक दूसरे में ऐसे करके चिपकाना है। इसमें हम बोट का मैकेनिज्म बनाएंगे जो पानी को पीछे ढकेलेगा और बोट हमारा आगे चलेगा। तो इसे मैंने मार्क कर लिया फ्रेंड्स और इसे मार्कर से हम फील कर देते हैं बीच में जहाँ पे हमें कट करना है। तो आप सिंपल आरी ब्लेड से कट कर सकते हो। अगर आपके पास लकड़ी का टुकड़ा नहीं है फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप आइसक्रीम स्टिक भी यूज़ कर सकते हो या फिर प्लास्टिक का टुकड़ा भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से काट लिया और एक दूसरे में ऐसे करके ज्वाइंट कर देंगे। इसे हमें ग्लू वगैरह लगाने के बीच में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अच्छे से ज्वाइंट हो जाएगा एकदम टाइटली। तो ये देखिए परफेक्ट हो चुका है। ये इसे रखते हैं साइड में और हमें चाहिए और भी कुछ सामान। अब हमें चाहिए रबर बैंड फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे 4 पीस रबर बैंड लिया है। ये छोटे छोटे पीस है इसलिए मैंने 4 पीस लिया। अगर आपके पास इससे बड़ा साइज है तो आप 2 पीस ही लेना, उससे काम हो जाएगा। तो दो दो रबड़ को मैं यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके का। तो इसे हमें बोतल की गर्दन में ऐसे फंसा देना है कुछ इस तरीके का। एक मैंने फंसा दिया और सेकेंड वाले को भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा कुछ इस तरीके का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दो मैंने यहाँ पे रबर बैंड लगा दिए और ये जो बीच में जो गैप बन रहा है ना, इसमें हम जो लकड़ी का बनाया है इसे लगा देंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बोट एकदम तैयार हो चुका है चलने के लिए। तो चलिए अब हम इसे तालाब में ले चलते हैं और इसका क्वालिटी चेक करते हैं कि हमने जो बनाया है वो काम करता है कि नहीं। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, ये मैंने तालाब आ गया हूँ और आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा तालाब है यार, मेरे घर के सामने ही है। तो इसे फटाफट पीछे करते हैं रबर बैंड को और इसे लपेटना है फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आपको, और फिर इसे पानी में लगा डालकर ऐसे छोड़ देना है। तो देखिए हमारा बोट कितना अच्छा से काम कर रहा है यार। ये मैंने कुछ थोड़ा सा लपेटा था फ्रेंड्स और ये मैंने बहुत ज़्यादा लपेट दिया। तो ये बोट काफ़ी दूर तक जाता है फ्रेंड्स। अगर आप ज़्यादा लपेटोगे तो ज़्यादा दूर तक जाएगा, अगर आप कम लपेटोगे तो कम जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा बोट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये काफ़ी आसान है तो आप इसे घर में आराम से बना सकते हो फ्रेंड्स। तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल पे नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।